हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फ्रेंड्स मैं मंथली जो काम करती हूँ, अब जैसे सर्दी शुरू हो गई तो अपने को मंथली गार्डन में क्या करना है, तो जैसे महीने में एक बार आपको सभी प्लांट में ऐसे खुरपी लगानी, इसकी मिट्टी को लूज़ करनी है। महीने में एक बार आप करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि अभी जैसे अपन ने खाद दिया है, अक्टूबर में मैंने खाद दिया है सभी प्लांट को। जब अच्छी खाद दे देते हैं तो प्लांट की मिट्टी ज़्यादा सख्त नहीं होती। आप देख सकते हो मैंने सभी प्लांट की मिट्टी नरम कर दी है, खुरपी लगा के सभी को। इससे अपने को पता चलता है कि कौन से प्लांट पे कितना पानी दे। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको प्लांट में चेक करके, जैसे इसमें मैंने नहीं किया फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी प्लांट ये लगी हुई है, कटिंग लगी हुई है, एक बगन पे लिया के भी कटिंग है, तो इसमें मैंने नहीं किया, बाकी सभी प्लांट पे मैंने कट दिया। जैसे दोब लगी हुई रहती है फ्रेंड्स, तो इसके लिए अपन खुदाई तो कर नहीं सकते हैं, जो ये झाड़ू आती है बांस की, ये जो झाड़ू है फ्रेंड्स, इसको आप इस तरह दबा के झाड़ू लगा दो तो इसमें अच्छी हवा लग जाएगी। दबा के लगानी है। अगर आपके पास पुरानी झाड़ू हो तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो ये करने से क्या, मिट्टी थोड़ी ऊपर ऊपर से लूज हो जाएगी और दोब की जड़ों में भी हवा लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पानी देना है। तो ये फ्रेंड्स आप महीने में एक बार करोगे तो आपके जैसे जड़ों, प्लांट की जड़ों में भी अच्छी हवा लगेगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब मैं सभी प्लांट को पानी दे दूंगी, प्लांट अच्छे हरे भरे हरे हैं और अच्छे से दूध में भी आपको पानी देना है। ये फ्रेंड्स अब मैंने सभी प्लांट में अच्छे से पानी दे दिया है, प्लांट को अच्छे से धो भी दिया है। और अच्छा पानी देने के बाद फ्रेंड्स अब ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इनकी जो मिट्टी थी वो भी झड़ गई। ये आप डेली नहीं करना फ्रेंड्स, मैं हर तीसरे दिन पानी देती हूँ। जैसे आज मैंने पानी दिया है, अब मैं कल नहीं दूंगी, परसों नहीं दूंगी, तरसों दूंगी, क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप भी नहीं है तो पानी ज़्यादा प्लांट को ज़रूरत भी नहीं है, इवापरेट भी नहीं होता है, तो तीसरे दिन भी देंगे। जैसे मेरे इलाके में ऐसे है, आपके वहाँ कैसा है, आपका क्लाइमेट और आपके वो देख के आप प्लांट को पानी देना। तो मैं हर तीसरे दिन पानी दूंगी फ्रेंड्स, तो मेरे प्लांट अच्छे से रहेंगे। ये मेरा मंथली एक शेड्यूल है फ्रेंड्स, जिसे आप भी इसको अपना सकते हो और अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।